हेलो स्टूडेंट्स, ओटू आईस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज के वे में, और डेली के हम 10 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के एमसीक्यूज शुरू करने से पहले, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ओटू आईस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल साइंस डे 2023। तो रिसेंटली नेशनल साइंस डे के लिए जो थीम है उसको रिलीज किया गया है, दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। लेकिन आपने ध्यान देना है कि जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को साइंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे जो सर सीवी रमन जी हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था रमन इफेक्ट के लिए। तो बेसिकली इन्होंने साइंस के अंदर एक फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन किया था, दैट इज द रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग के अंदर बात हुई थी कि एक जो फोटोन है, जिस टाइम पे एक फोटोन के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है तो अपनी ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को भी प्रोड्यूस कर सकता है और कम वेवलेंथ की लाइट को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम रमन स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इनको रिकॉग्नाइज किया गया और उसके बाद 1930s में इनको नोबेल प्राइज जो है वो भी दिया गया। तो इस वजह से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। 1986 में सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया गया था। तो दैट मींस यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में बात करूँ तो इंडिया और यूके ने मिलकर एक स्कीम को फाइनलाइज किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया और यूएस ने इस डील को साइन नहीं किया है, इट इज इंडिया एंड यूके, जो कि बात करता है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो दैट मींस जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे हैं वो यूके में पढ़ने जाते हैं, इन द सेम वे जो यूके के यहां पे स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी जो बच्चे हैं वो इंडिया के अंदर भी आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहां पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको सेट किया गया। जो भी सिटीजन इस स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे वो 18 से 30 साल के बीच बीच में होने चाहिए, उनके पास डिग्री होनी चाहिए और वो यूके के अंदर काम करने जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इस डील को इंडिया और यूके के बीच में साइन किया गया है। तो दैट मींस आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इवन आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो स्कीम है G20 समिट जिस टाइम पे बाली में हो रही थी 2021 के अंदर इस स्कीम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ओजोन। तो ओजोन के बारे में बात करूं तो जैसे कि आपने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में भी देखा होगा कि धीरे धीरे जो ओजोन होल है, जो बेसिकली ओजोन लेयर की थिनिंग हो गई थी, धीरे धीरे उसको रिकवर किया जा रहा है। इस स्टडी के अंदर ये बताया गया कि 2066 तक यहाँ पर जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है वहाँ पे ओजोन होल जो है वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। अगर मैं आर्कटिक वाले रीजन के बारे में बात करूँ, क्योंकि आर्कटिक वाले रीजन में इतनी ज़्यादा थिनिंग नहीं हुई है, तो ये जो यहाँ की ओजोन है वो 2045 तक ठीक हो जाएगी। तो बाकी के रीजन्स में 2040 तक जो ओजोन की लेयर है वो अच्छे से रिकवर हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको ओजोन के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं ओजोन लेयर के बारे में बात करूं तो आपको एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, आयनोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, एग्जॉस्फेयर हो गया, जिसमें से सबसे नीचे वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के जो लोअर वाला पोर्शन है वहां पर ही आपको जो ओजोन लेयर है ये देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर दो तरीके से बन सकती है, या तो नेचुरल फिनोमिना से बन सकती है जिसके अंदर जो सन की यूवी रेडिएशन है वो बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और अल्टीमेटली O3 मॉलिक्यूल को बना देती है, या फिर ओजोन को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है जिसमें ओजोन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। लेकिन अब जो ओजोन बनती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वजह से थिन होने लग जाती है। जो भी ओजोन की लेयर है वो धीरे धीरे, जितने भी हम CFCs हो गया, HFCs हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, उन सबको यूज करने की वजह से जो ओजोन की थिनिंग हो जाती है, और ये जो CFCs वगैरह हैं ये हमारे रेफ्रिजरेंट्स के अंदर यूज होते हैं। तो यहां पर ओजोन को ठीक करने के लिए अलग अलग जो ट्रीटीज हैं उनको साइन किया गया, जैसे कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद यहां पे किगाली एग्रीमेंट हुआ जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही एक अमेंडमेंट थी। तो इसके तहत यहां पे ये बोला गया कि हम जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं या फिर ऐसे
कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं, धीरे धीरे हम उसको फेज आउट करने की बात करेंगे। अब क्योंकि हमने वो एग्रीमेंट्स को साइन किया था, तो इस वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू परशुराम कुंड फेस्टिवल। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको एक परशुराम कुंड जो है ये देखने को मिलेगा, जो कि ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर जो लोहित रिवर है, लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, तो इस रिवर पे आपको परशुराम कुंड जो है ये देखने को मिलेगा। तो आपने ध्यान देना है कि जो परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। इवन परशुराम कुंड फेस्टिवल जो है मकर संक्रांति के टाइम अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बारे में बात करूं तो बेसिकली हमारे जो सूर्य देवता हैं उनको ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है, और इस टाइम पे जो सूर्य देवता हैं वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि के अंदर एंटर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ई एपिक। ई एपिक के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलग अलग और भी डॉक्यूमेंट्स को देखा होगा, जैसे कि ई पैन हो गया, ई आधार कार्ड हो गया, इन द सेम वे जो वोटर कार्ड है उसको भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में यहां पर सेव किया जा सकता है। तो बेसिकली एक ऐप के अंदर आपको आपका जो वोटर कार्ड है तो वो आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। इवन आप देख सकते हैं कि आप इसको डिजी लॉकर के अंदर भी सेव कर सकते हैं, जो कि एक सरकार के द्वारा ही प्रोवाइड करी गई ऐप है, तो उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। और इवन आप इस ई एपिक को प्रिंट करवाकर लैमिनेट करवा सकते हैं और उसको एज अ वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सखालिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमारी जो कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए एक कंपनी बनाई गई है, जो कि स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपना स्टेक जो है वो लेती है। तो इसके रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे आपको सकालिन आइलैंड जो है ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सी ऑफ ऑस्टोक के ऑफशोर रीजन के अंदर यहाँ से एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ताकि यहाँ पे ऑयल की एक्सप्लोरेशन की जा सके। तो बेसिकली इस रीजन के अंदर हमारी जो ONGC विदेश लिमिटेड है उन्होंने 20% स्टेक लिया है। इसके अलावा भी आपको अलग अलग कंट्रीज की जो कंपनीज है उनका स्टेक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये न्यूज में थी। तो आपने ध्यान देना है कि ये जो सकालिन आइलैंड है ये बेसिकली रशिया के अंडर लाई करता है, कौन से सी के नजदीक है, और ये जो आइलैंड है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन आपको कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि जो सकालिन आइलैंड है ये कई बार डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी रहती है, यहाँ पे कई बार जापान और रशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करूं तो जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके रिगार्डिंग यहां पे एक पर्टिकुलर थीम जो है उसको अनाउंस किया जाता है, जो कि आपकी ये करेक्ट हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हिंदी डे, जब वर्ल्ड हिंदी डे जो है एक पर्टिकुलर डेट के दिन ही रिकॉग्नाइज किया गया था, और सबसे पहले ये देखा गया कि जिस टाइम पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर के अंदर, इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे सबसे पहली बार 10 जनवरी को ये जो कॉन्फ्रेंस है हिंदी के अंदर कंडक्ट करवाई गई। तो इस वजह से ही वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि UN ने सबसे पहली बार इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, आपका आंसर बनेगा 1 only। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ई संजीवनी। ई संजीवनी के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये भी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। दैट मींस यहां पे जितनी भी दवाइयां वगैरह अगर किसी पर्सन को चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो वहां इस ई संजीवनी ऐप के ऊपर जाकर वो कंसल्टेशन वगैरह ले सकता है। ये जो ऐप है सबसे पहले 2009 के अंदर लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, लेकिन धीरे धीरे, सबसे पहले तो यहां पे टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन ही थे, धीरे धीरे इसके ऊपर आपके कंसल्टेशन जो है वो भी प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे OPD की कंसल्टेशंस वगैरह होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस प्लेटफॉर्म को किसने बनाया है, तो मोहाली के अंदर लोकेटेड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, जो कि टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूं तो रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस सेंचुरी के अंदर आपको ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये देखने को मिल रहा है।
ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूं कि जिस टाइम पे एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी डेंसिटी किसी भी एरिया के अंदर, तो धीरे धीरे वो ह्यूमंस की हैबिटेशन के अंदर आना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे ह्यूमंस को किल करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली क्योंकि हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी के सर्विसेज लेते लेते ही हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हार्म किया है, तो इस वजह से जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुकी है। तो आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के और भी बहुत ज़्यादा रीजन जो हैं ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से रीजन के अंदर लोकेटेड है, ऐसे तो यहाँ पर आपको तीन स्टेट जो है वो मर्ज होती हुई दिखेंगी, लेकिन जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ज़्यादातर केरला वाले रीजन के अंदर सिचुएटेड है, जो कि बेसिकली आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर मर्ज कर जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे केरला के अंदर ये सिचुएटेड है, आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ रिलेटेड टू चैट जीपीटी के रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, आज भी चैट जीपीटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है जिसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं चैट जीपीटी के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये एक ऐसी ऐप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है। इसको एक प्लेटफॉर्म ने मिलकर बनाया है, दैट इज़ ओपन एआई। बना तो दिया था इसको नवंबर 2022 के अंदर, लेकिन अब रिसेंटली आपको ज़्यादातर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के अंदर, इवन द हिंदू के अंदर भी इसके अलग अलग जो यूजेस है उसके बारे में आपको एडिटोरियल्स देखने को मिले होंगे, तो इस वजह से ये दोबारा से न्यूज में है। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी लैंग्वेज और टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है और उसी के बेस के ऊपर ये जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करता है। तो इवन अगर मैं बात करूं कि चैट जीपीटी के अंदर जो जीपीटी है, दैट इज़ अ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, तो दैट मीन्स ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज को एक तरह से रिकॉग्नाइज करता है, टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी, ये एक आर्टिफिशियल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।